बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जी, आज मैंने अपना भी लोग जो है सुबह से स्टार्ट कर लिया है, तो नाश्ता जो है बच्चों ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, सब ने कर लिया। और जी, अभी मैं बनाने लगी थी ग्रेपफ्रूट का जूस, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी, अभी तो पहले मैंने रखे है यहाँ पे, मैं आप लोगों गर्म पौधे ये चनों का सालन जो रखा है। आज हमारे घर में बन रहे चने चावल, तो वो बर्तन आप जो देख रहे हैं ये नाश्ते के बर्तन है। तो जी, अभी इनको वॉश कर लूँगी मैं, और आवाज़ पता नहीं ठीक ऊँची बोलूँ, ज़्यादा ऊँची बोलूँ इसलिए कि आवाज़ आप लोगों का आज। और जी, ये ग्रेपफ्रूट का जो हम लोग बनाने लगे हैं जूस, कल लेकर आई थी, तो आज मैंने कहा इनका जूस निकालते, चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी जी, हम काट रहे ग्रेपफ्रूट को बीच में से ऐसे, इसीलिए कि हम लोगों की वाली मशीन है, तो देखिए कितने प्यारे से निकले हैं अंदर से। इससे बहुत अच्छा निकल जाता है जूस। और इसके अंदर डालेंगे काला नमक, अच्छा जी। मेरे पास ना ये हाथ की मशीन है जिससे कि जूस बहुत अच्छा निकलता है, इसलिए मैं किन्नू भी अभी आएंगे तो इसी पे निकालूंगी जूस, और बहुत सारा निकल जाता है। और आप लोग इसको जो भी कहते, मैं तो इसको हाथ की मशीन कहती हूँ। और जी, अब जी हम लोगों का बन जाएगा जूस अच्छा सा। और ये जो है ना जैसे खट्टे होते थे, इसमें मैं आधा गिलास जो है वो पानी भी डालूंगी, और काला नमक चीनी नहीं डालूंगी। काला नमक से ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और आप देख लें इतना जूस जो है वो निकला है, तो इतना ही मतलब कि मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। तो फिर जी, और फिर इसके अंदर डालूंगी काला नमक। और जी, ये हम लोगों का जो है ग्रेपफ्रूट का जूस जो है वो रेडी हो जाएगा, और जो बहुत यम्मी और अच्छा सा लगता है, इसलिए कि ये वैसे भी अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम वगैरह बहुत सारी होती है। तो जी, आप लोग भी ये बनाएं और पिएं, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। चले जी, हम लोगों का ग्रेपफ्रूट का जूस जो है वो अच्छा सा रेडी हो चुका है। कलर भी आप देखें, और बहुत मज़े का बना था, काला नमक डाल के इसके अंदर। तो जी, उसके बाद मैंने जो कपड़े मेरे आयरन करने वाले रखे होते हैं, तो वो मैंने कर लिए हैं। अब इसको जी अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। तो जी, चनों का सालन जो है वो मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही ऊपर रख दिए थे। इसमें मैंने सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो रख दिए थे। अब जी, बहुत अच्छे चने गल चुके हैं, इसको भून के पानी डालेंगे। चावल मैंने कहा साफ करके तो भिगो दूँ, किचन की हालत अभी बहुत बुरी है, दही भी आ गई है। तो मैं जी ऐसे ही सिंपल से चने पकाती हूँ, इसको अच्छी तरह से भून के फिर वही चार मसाले, अदरक, वो लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक और हल्दी बस डाल के, तो पानी डाल के, तो फिर इसको रख दिया है। और जी, अभी वो चने जो पक रहे, चावलों का भी पानी मैंने ऊपर रख दिया है, चावल भीग चुके हैं। और साथ में जी मैं प्याज काट लूँगी, और दही है बस, और किचन मेरा बिल्कुल जी साफ़ है। और उसके बाद भी फिर खाना खाएंगे, और बच्चे और जी आसिफ जो मैच देखने में लगे, खाना मैंने लगा दिया है, तो ये लोग खाना खा रहे हैं अंदर बैठ के। तो मैं आपको चनों की फाइनल लुक भी नहीं दिखा सकी, तो बोल में डाल के ले आई, बाकी जो पतीली में बचे थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और जी, साथ में मैच भी देखा जा रहा है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल था। तो जी, आज ये सब बहुत जद्दोजहद से लगे हुए मैच देखने में। और जी, ये है अब मेरी प्लेट, मैं अपनी प्लेट रेडी करके लेकर आई हूँ। मुझे ना चावल कम से और बहुत सारा ऊपर चने और शोरबा डाल के खाना जो ना बहुत पसंद है, और मैं ऐसे ही खाती हूँ जब भी। तो जी, अभी हम खाते हैं खाना, फिर उसके बाद देखते हैं। वैसे अभी हम लोगों को आटा लेने जाना, हमारे घर में आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टाइम हो चुका है, चावल बच्चे का टाइम है, खाना जो है वो खा लिया है, आप लोगों को दिखाया था, आज चने चावल बनाए हैं, खाना खा चुके हैं। और जो खाने के बर्तन थे वो भी मैंने सब वॉश कर दिए, इसलिए कि फिर हाथों हाथ काम कर लेना तो ठीक है, वरना फिर जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी, बस अभी मैं आई किचन में चाय रखने के लिए, चाय जो है वो मैंने रख दी है, आप देख लें। तो बस अभी ये चाय बन जाए, और आसिफ जो है वो मैच देख रहे हैं, बच्चे भी मैच देख रहे हैं,
तो बस जी मैं चाय बनाने के लिए किचन में हूँ। किचन में जी चाय का वेट हो रहा है और अभी देखते हैं कि बाहर जाते आटा जो हम लोगों का वो अभी नहीं आया है, तो देखते हैं आटा लेने जाना है या नहीं जाना। तो जी चले पहले तो हम लोग बनाते हैं अपनी चाय। चाय का वेट करते हैं कि तब चाय जो है हम लोगों की रेडी होगी। अच्छा जी, आप लोग मेरी चाय का कलर देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और जी बस अभी निकालते हैं चाय। जो ये मग है ना, ये आसिफ का है, और जो छोटा सा कप है ना वो मेरा है, इसलिए कि मैं बस इतनी ही चाय पीती हूँ, मुझे एवरीडे की चाय जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जी चले आज का यहीं तक था मेरा ये जो छोटा सा व्लॉग, और मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।